छापर का इतिहास राजस्थान राज्य के थली अचल के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में बसा ये छापर कस्बा दो उत्तरी अक्षांश एवं डिग्री सैतालीस पूर्वी देशांतर पर स्थित है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 302 मीटर है यहाँ की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सत्रह थी यहाँ की औसत साक्षरता दर पचपन प्रतिशत है कस्बे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो छापर का वेदों एवं तक भी मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के समय में यह भूभाग मधुकांतार के नाम से जाना जाता था तथा महाभारत काल में ये भूभाग जंगल प्रदेश का अंग था यहाँ पर अवशेष के रूप में विद्वान द्रोणाचल पर्वत अश्व की गुफा द्रोणपुर के खंडर एम शिला इस बात की सत्यता सिद्ध करते हैं कि इस भूभाग का नाम छापर क्यों पड़ा इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते लेकिन इतना कहा जा सकता है कि यहाँ की भूमि होने के कारण इस भूभाग को संभवतया छारपुर कहा जाने लगा जो कालांतर में अभ्रस होकर छापर हो गया इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि महाभारत काल में यह भूभाग छापर नाम से प्रसिद्ध था हस्तिनापुर नरेश महाराजा धरतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित करने के फलस्वरूप गुरु दक्षिणा में ये छापर प्रदेश गुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप भेंट किया था उस समय छापर प्रदेश में 1440 गांव एवं तीन मुख्यालय छापर लाडनू व किरातावाटी थे द्रोणाचार्य के पश्चात इस पर शिशुपाल के पुत्र पवार डाहलिया ने अधिकार कर लिया इसके बाद नागौर के बागड़ियों ने डाहलियों को पराजित कर अपना प्रभुत्व तो स्थापित कर लिया इसके बाद राणा सूरजन का पुत्र मोहल प्रदेश का राजा बना कुछ समय पश्चात पिता सुरजन एवं पुत्र मोहल में आपसी मतभेद हो गया मोहल ने नए राज्य की खोज के लिए सूचना दी कि द्रोणपुर यानी कि छापर की, की, की समतल भूमि पर सरलता से अधिकार किया जा सकता है तो मोहिल ने 17,000 सैनिकों के साथ यानी छापर पर आक्रमण कर दिया लेकिन दिया बागड़ियों के पास मात्र 5,000 सैनिक थे इसलिए वे पराजित हो गए और द्रोणपुर यानी कि छापर पर मोहिल का अधिकार हो गया मोहिल की विजयश्री के पश्चात द्रोणपुर यानी कि छापर का नाम बदलकर मोइल वाटी रखा गया विक्रम सब्बत पंद्रह तक क्रमश मोइल हर दत्ता बरसी मेगा एम बरसल इत्यादि शासकों ने शासन किया इसके पश्चात राठौर नरेश जोधा ने इसको हत्या कर अपने पुत्र विदा को दे दिया परंतु चार पांच महीनों बाद में मोइलों ने पुने इस पर अपना अधिकार कर लिया इसके बाद छोटी बड़ी लड़ाइया होती रही अंत में राठौर बिदा ने द्रोणपुर यानी कि छापर पर अपना स्थायी अधिकार कर लिया जो आज छापर कस्बे के नाम से जाना जाता है और एक खास बात दोस्तों ये शानदार वीडियो हमारे परम मित्र जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उनका नाम है साजिद भाई ये साजिद भाई के द्वारा दर्शाया गया है आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत